माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं के साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला है। और इस मौके पर मेरे साथ यहाँ मंच पर उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जुझारू और बहुत ही संवेदनशील अध्यक्ष सम्मानीय श्री बंसीधर भगत जी, हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री जिनका उत्तराखंड से लंबे समय तक का लगाव रहा है और उनका संबंध रहा है, ऐसे हमारे सम्मानीय शिव प्रकाश जी, राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड के नए नियुक्त प्रभारी और राज्यसभा के सदस्य भाई दुष्यंत गौतम जी, और हमारी लोकसभा की सदस्य और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड की सह प्रभारी बहन रेखा वर्मा जी, सम्मानित मंच, इस सभागार में उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता बंधु जिन्होंने इस आयोजन का के कार्यक्रम को एक रूप दिया है, और साथ ही साथ मेरे साथ जुड़े हुए लाखों वर्चुअल रैली के माध्यम से, वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से जुड़े हुए बूथ तक के कार्यकर्ता जो फेसबुक के माध्यम से भी और बहुत लाइव फेसबुक के माध्यम से लाखों लोगों से जुड़ने का सौभाग्य मिला है, मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से आप सबको इसके लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मुझे 4 दिन तक उत्तराखंड के संगठन के प्रवास का मुझे सौभाग्य मिला, और इस बीच में मैं शीर्ष नेतृत्व से लेकर के बूथ तक के कार्यकर्ताओं से जुड़ने का प्रयास कर रहा हूं और उनसे बातचीत भी करने का प्रयास कर रहा हूं और उनकी जानकारियां हासिल करके संगठन कैसे मजबूत हो सकता है इसकी हम चिंता कर रहे हैं। सबसे पहले जब मैं यहां आया हूं तो यह देवभूमि है, यहां आना अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात होती है, और देवभूमि पर बिना ईश्वर के आशीर्वाद के पहुंचा नहीं जा सकता, आशीर्वाद लिए बगैर यहां पहुंचा नहीं जा सकता। और मैंने यह तय किया था कि मैं अपनी भारत भ्रमण की 120 दिन की यात्रा का प्रारंभ करूंगा तो देवभूमि उत्तराखंड से करूंगा, और वह भी पवित्र नगरी हरिद्वार से, गंगा के तट से शुरू करूंगा। और मुझे ईश्वर का आशीर्वाद मिला, हरिद्वार में हर की पौड़ी पर आरती करने का भी मौका मिला, और उसके साथ साथ देवभूमि होने के नाते हमें साधु संतों का भी आशीर्वाद मिला, सभी वरिष्ठ सज्जनों का आशीर्वाद मिला, और तत्पश्चात मैं आप सबके साथ मुखातिब हुआ। यह यमुनोत्री की का प्रदेश है, यह गंगोत्री का प्रदेश है, यह केदारनाथ का प्रदेश है, ये बद्रीनाथ का प्रदेश है, ये हेमकुंड साहब का प्रदेश है। मैं सबको पूरी भावनाओं के साथ नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, हम जानते हैं कि सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी ने बहुत तीव्र गति से प्रगति की है। आज भारतीय जनता पार्टी का परचम देश पर 2/3 मेजॉरिटी के साथ विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में बनाई है। ज्यादा प्रदेशों में हमारी सरकारें बनी हैं, और हम सब लोग मिलकर के हिंदुस्तान की सेवा करने के लिए आतुर हैं, और बार बार भारत की जनता हमको आशीर्वाद भी दे रही है। अभी अभी बिहार के चुनाव हुए, और बिहार के चुनाव में हालांकि हम मिलजुल करके चुनाव लड़े थे, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट 67% बिहार में मिला तो वो कमल को, भारतीय जनता पार्टी को। 110 सीटों में 74 सीटें हमने जीती, 19.5% हमको वोट मिला, और ये सब इसलिए हुआ कि पहले भी लोगों ने मोदी जी के काम पर विश्वास दिखाया था, और इस बार भी मोदी जी के काम को मुहर लगा करके विकास की नई कहानी को बिहार की जनता ने शुरू किया है, इसके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद।
मित्रों एक बात हमको राजनीति में नई समझ में भी आई है। वैसे मैं 2019 में उत्तर प्रदेश का चुनाव का प्रभारी था, हमें मालूम है कि सपा बसपा दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे, हमें अंदाजा हो गया है था कि सुरी शक्तियों के साथ लड़ने के लिए सभी एक साथ आएंगे, सभी एक साथ मिलेंगे, गलबाइयां डालेंगे। लेकिन आपके आशीर्वाद से, मोदी जी के नेतृत्व में, हम सबको परास्त करके आगे बढ़ेंगे और ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, इसको हमको ध्यान रखना है। बिहार में क्या हुआ? एक तरफ पुराना गुंडा राज, एक तरफ जंगल राज, उसके साथ साथ मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी का संबंध, जिसको हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही लीथल कॉम्बिनेशन बना। एक तो अराजकता और ऊपर से विध्वंसकारी लोग और ऊपर से राष्ट्र के प्रति अब समर्पण न रखने वाले कांग्रेस पार्टी के लोग, ये तीनों का मिलन हुआ। और मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी आज मोदी जी का विरोध करते करते एंड नेशन के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करने लगी है, राष्ट्रीय हितों को भी दरकिनार रख करके पार्टी के इंटरेस्ट को सामने रख रहे हैं। ये तीनों एक साथ मिले, लेकिन उसके बावजूद भी कमल का निशान खिला और बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जेडीयू के साथ नीतीश कुमार के साथ बनी, यह हमको ध्यान रखना चाहिए। इतना ही नहीं हुआ, हमने चुनाव गुजरात की आठ सीटें जीत ली, हमने चुनाव कर्नाटक में 2 की 2 सीटें बाई इलेक्शन जीत लिया। दुबाका में जो कर्नाटक में जिस कंस्टिट्यूएंसी के ऊपर केसीआर की अपनी कंस्टिट्यूएंसी है, बाईं तरफ में उसके दामाद की कंस्टिट्यूएंसी है, इधर दूसरी कंस्टिट्यूएंसी उसके रिश्तेदार की है, उसके बीच में दुबाका, वहां भी बीजेपी ने धमाका कर दिया और वहां भी कमल किला हमको ध्यान रखा। हमने चुनाव उत्तर प्रदेश में जीते, 7 में से 6 सीटें जीत ली। हमने चुनाव मध्य प्रदेश में जीता, 28 में से 21 सीटें जीत ली। कमलनाथ कहता था कि अब देखेंगे, अब देखेंगे, अब देखेंगे, जनता ने उनको पछाड़ दिया। हमने बिहार से लेकर के बंगाल तक, मणिपुर तक सारी सीटें जीती। यह एक तरीके से देश में लोगों ने मोदी जी को आशीर्वाद दिया, यह हमको ध्यान रखना। और यह इसलिए हुआ है क्योंकि मोदी जी के द्वारा किए गए कार्यों के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो समर्पण है, वह समर्पण हम सबको देखने को मिला है। मैं यहां पर आप लोगों को बधाई भी देना चाहता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं। हम सब एक कोरोना संक्रमण से गुजर रहे हैं। पिछले फरवरी मार्च महीने से यह एक ऐसा संक्रमण आया जिससे किसी को भी कैसे लड़ा जाएगा इसकी जानकारी नहीं थी। और मैं कल भी कह रहा था कि बड़े बड़े शक्तिशाली देश मुसीबत में उन्होंने अपने आप को पाया है। अमेरिका हमसे ज्यादा स्वास्थ्य में सक्षम है, फ्रांस हमसे ज्यादा स्वास्थ्य में सक्षम है, इटली हमसे ज्यादा स्वास्थ्य में सक्षम था, सारा यूरोप हमसे स्वास्थ्य में ज्यादा सक्षम था, लेकिन इन सभी देशों ने अपने आप को असहाय महसूस किया और इनकी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लड़खड़ा गई, चरमरा गई और मुसीबत में डाल दी। अमेरिका का चुनाव ही तो कोविड के मैनेजमेंट और मिसमैनेजमेंट पर हो गया, ट्रंप को सत्ता गंवानी पड़ गई, राष्ट्रपति का पद खोना पड़ गया इस कोविड मैनेजमेंट के मिसमैनेजमेंट के विषय को लेकर। लेकिन हमारे मोदी जी ने 130 करोड़ देश को फ्रंट से लीड किया, सबसे आगे खड़े होकर के लीड किया और समय पर बुलंद इरादे के साथ बुलंद फैसला लिया, लॉकडाउन लगाया, बोल्ड डिसीजन लिया और 130 करोड़ की देश को बचा लिया, यह हमको ध्यान रखना है। मित्रों ये छोटी घटना नहीं है, ये नेता, सही नेता और सही पार्टी के कारण होता है। आज भी अमेरिका जानता नहीं है कि जान महत्वपूर्ण था या जहान महत्वपूर्ण था। आज भी वो फैसला नहीं कर पाए कि हेल्थ इशू है कि इकोनॉमिक इशू है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा जान है तो जहान है और इसलिए लॉकडाउन लगाया
और मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, मुझे स्वास्थ्य की व्यवस्था पता है। जिस दिन लॉकडाउन लगा था उस दिन हमारे पास कोरोना को टेस्ट करने की कैपेसिटी हमारे पास मात्र 1500 प्रतिदिन थी। 1500 प्रतिदिन थी कोरोना के दौरान। ये लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री जी ने देश को तैयार किया। आज हमारे पास टेस्टिंग लेबोरेटरी 1500 है और हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 10 से 15 लाख के बीच की खड़ी होकर की खड़ी हो गई पर डे। ये हमको ध्यान रखना। अभी अगर उत्तराखंड की बात करें तो आपकी टेस्टिंग फैसिलिटी 13,000 प्रतिदिन हो गई है। उत्तराखंड की बात करें तो आपके पास 58 टेस्टिंग लैब्स हो गए हैं। आपके पास 11 डेडिकेटेड हॉस्पिटल है कोविड के लिए। 815 आईसीयू बेड हैं और लगभग 31,408 आइसोलेशन बेड्स हैं और उसी के साथ साथ ऑक्सीजन सपोर्टेड आपके पास 3,500 बेड्स की व्यवस्था है। ये उत्तराखंड ने तैयारी की है। मैं आपको बधाई देता हूं कि जैसे मोदी जी ने काम किया आपने भी उत्तराखंड को कोविड से लड़ने के लिए तैयार किया। लेकिन उस समय हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास एक भी डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं था। आज 1,650 डेडिकेटेड हॉस्पिटल है। आज हमारे पास इस लगभग 4.5 लाख बेड्स हैं देश में। आज 3 लाख वेंटिलेटर बन करके तैयार हैं। मार्च महीने में एक भी वेंटिलेटर हम बाहर से मंगवा रहे थे, एक भी वेंटिलेटर भारत नहीं बनाता था। पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पीपीई किट भारत बाहर से खरीदता था, हमारे देश में नहीं था। लेकिन आज हमारे पास 4.5 लाख पर डे पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट बन रहा है। अब हम दूसरे देशों को भी भेज रहे हैं और उनको भी हम दे रहे हैं। यह भारत की ताकत बनी है। 150 देशों को पैरासीटामोल दिया है कि दवाई दी है, HCQ की दवाई दी है। ये आपके सामने मैं सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि किस तरीके से भारत के जनता को तैयार करके मोदी जी ने कोविड मैनेजमेंट की लड़ाई लड़ी। लेकिन जब शाबाशी की बात आती है तो लोग सब चीजों का ध्यान रखते हैं। मोदी जी ने सिर्फ कोविड मैनेजमेंट की हेल्थ का इश्यू एड्रेस नहीं किया, उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज भी दिया। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में जिस तरीके का काम हुआ वह भी हम सबको मालूम है कि 1,25,000 करोड़ रुपए, 1,75,000 करोड़ रुपए खर्च हुए और इसमें 80 करोड़ रुपए हमने दिए। 80 करोड़ की जनता के लिए 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल की व्यवस्था की मार्च महीने से लेकर के दिवाली तक, ताकि उनका चूल्हा जल सके। 8 करोड़ की जनता को 3 महीने तक फ्री गैस सिलेंडर दिया, 3-3 सिलेंडर। 3 महीने तक 500-500 रुपए 20 करोड़ बहनों के खाते में पहुंचाया और उसी तरीके से 8,56,00,000 किसानों को 2,000 रुपए की किश्त देकर के उसको भी पहुंचाने का प्रयास किया, ताकि किसान खड़ा हो सके। इस तरीके की व्यवस्था की गई, यह हमको मालूम है। और अब हम लोग उनके नेतृत्व में वन राशन वन कार्ड, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब क्या है वन राशन वन कार्ड का? कि आपका एक राशन कार्ड है लेकिन आपका भाई मुंबई में रहता है और आप गांव में रहते हैं, तो गांव में रहने वाला भाई अपना राशन निकालेगा और उसका भाई मुंबई में, उसको भी राशन मिलेगा, उसी राशन कार्ड पर मिलेगा। वन नेशन वन राशन कार्ड। आप सोचिए मोदी जी की सोच कहां तक गई। यही नहीं, हमारे दिव्यांग भाइयों को 1,000 रुपए 3 महीने के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए 3 महीने के लिए 1,000 रुपए उनके खातों में दिया गया। उसी तरीके से हमारी विधवा बहनों के लिए, उनके लिए भी 1,000 रुपए पहुंचाया गया। इस तरीके से काम हुआ। तो क्या कहा हमारे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर टेड्रोस ने, इंडिया हैज एड्रेस्ड नॉट ओनली द हेल्थ इश्यू, इट हैज आल्सो एड्रेस्ड द इकोनॉमिक इश्यू। यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा, क्या कहा, दिस आत्मनिर्भर पैकेज एंड गरीब कल्याण पैकेज इज ए मेजर विच शुड बी रेप्लीकेटेड बाय अदर कंट्रीज ऑल्सो। दूसरे देशों को भी इसको ध्यान में रखकर के काम करना चाहिए। और मुझे खुशी है उत्तराखंड के इकाई को, बंसीधर जी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं
कि आपने जब सारी पार्टी लॉकडाउन थी, जब सारा देश लॉकडाउन था, ये अकेली भारतीय जनता पार्टी थी जिसने काम को जिम्मा लिया, सामाजिक काम को जिम्मा लिया और करोड़ों के हिसाब से लोगों को फूड पैकेट पहुंचाकर करोड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने आप को उसमें जोड़ा, उसके लिए 29 करोड़ पैकेट बांटे हैं और राशन किट बांटा है भारतीय जनता पार्टी ने 29 करोड़, और आपने 23,07,000 बांटे हैं। आपने फेस मास्क लगभग जो है वो 2 करोड़ के आसपास आपने फेस मास्क बांटे, आपने सैनिटाइजर्स बांटा है। हमारा कोई कार्यकर्ता घर में नहीं बैठा, सारी पार्टियां लॉकडाउन हो गई, अभी भी लॉकडाउन है और भगवान उनको वैसे ही लॉकडाउन रखे। काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, अभी भी सिवाय स्टेटमेंट देने के कोई पॉलिटिकल पार्टी काम नहीं करती है। चुनाव में लुभावे में नारे देकर के फिर चले जाते हैं, लेकिन कोई सीरियस तरीके से काम करने का काम उठाया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। सैकड़ों स्थानों पर ब्लड डोनेशन का काम किया, उसी तरीके से संपर्क अभियान, आपने वर्चुअल रैलीज की, राजनाथ सिंह जी उसमें हाजिर हुए, आपने स्मृति रानी जी उसमें आई, उसके साथ साथ आपने 8 लाख कार्यकर्ताओं को जोड़ा, 70 वीडियो कॉन्फ्रेंसेज आपने किए, 10,000 पार्टिसिपेंट्स ने उसमें काम किया। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड इकाई को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और शाबाशी भी देता हूं। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर पैकेज की बात कही है, यहां मैं आपके माध्यम से लाखों कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं कि आपदा को अवसर में बदलने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि एडवर्सरी में एडवांटेज में बदलने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है और आत्मनिर्भर पैकेज के तहत 20 लाख करोड़ रुपए आधारित को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खर्च होने वाला है। 3 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे एमएसएमई सेक्टर को सॉफ्ट लोन देकर के फिर से रिवाइव करने के लिए। 1,50,000 करोड़ रुपए लोगों ने लोन ले लिया है। उसी तरीके से 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाला है एग्रीकल्चर सेक्टर, और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई सरकारी अधिकारी खर्च नहीं करेगा, कोई आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर खर्च नहीं करेगा, इसको खर्च करेगी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। और इसलिए मैं यहां के किसान मोर्चा के अध्यक्ष से भी निवेदन करूंगा, पार्टी के अध्यक्ष से भी निवेदन करूंगा कि फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन की सारी के सारी कमिटी हमारे द्वारा बननी चाहिए और हमें उसमें शिरकत करना चाहिए, और हमारा किसान तय करेगा कि हमारे गांव में किसान के विकास के लिए क्या आवश्यकता है। पैसा मोदी जी का होगा, खर्च हम करेंगे, ये उसमें हम योजना बना रहे हैं। आप उसमें अपने गांव की सड़क बना सकते हैं ताकि मंडी में आपका अनाज सही ढंग से पहुंच सके, आप मंडी की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, आप उसमें कोल्ड स्टोरेज बना सकते हैं, आप उसमें अनाज का स्टोरेज बना सकते हैं, आप कोई वैल्यू एडिशन की फैक्ट्री लगा सकते हैं कोऑपरेटिव बेसिस पे, आप अपने वैल्यू एडिशन के साथ साथ आपका मार्केट में सही दाम पर आपको मार्केट में समय मिल सके उसके लिए जो फैसिलिटी आप अवेल करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खड़ा कर सकते हैं ताकि आपको पता चल सके कि इस हफ्ता मेरे अनाज का क्या रेट होगा और अगले सप्ताह मेरे अनाज का क्या रेट होगा, मैं अब बेचूं या अगले सप्ताह बेचूं, यह भी आप उसमें तय कर सकते हैं। इसको हम ध्यान में रखना चाहिए, इसलिए एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हो रहा है और उस आत्मनिर्भर को हमको आगे बढ़ाना है। उसी तरीके से वोकल फॉर लोकल, अब अगर लोग वोकल फॉर लोकल करें, गढ़वाल की वोडन कार्मी हमको ध्यान में है कि नहीं, आपने मुझे ही इतने मोमेंटो दे दिए और वोडन कार्मी के तो आपके पास ब्रांडिंग का पूरा उसकी व्यवस्था है, इसलिए वोकल फॉर लोकल होकर के उसको भी बढ़ाना चाहिए। उसी तरीके से ये जो रंगोली है कुमाऊं रीजन की, इसको भी वर्ल्ड ब्रांडिंग करनी चाहिए। आपको याद होगा चुनाव में हम लोगों ने हर इश्तिहार जो निकाला था उसमें रंगोली जो थी वो कुमाऊं रीजन की थी, उत्तराखंड की थी, वो हमने दिखाया।
हम अपनी चीज को, ये रंगोली कोई छोटी चीज नहीं है, दुनिया इसको देखना चाहती है, हमको इसकी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, हमको इसको ठीक ढंग से रखना पड़ेगा, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप सब लोग इन बातों के बारे में देखो। मैं आपसे इस तरीके से चर्चा करता हूं, राजनीति में हु सेट्स द एजेंडा, आपके ऊपर कोई आरोप लगता है, आप सारा दिन मैंने ऐसा तो नहीं किया था, मैंने ऐसा तो नहीं किया था, मैंने ऐसा तो नहीं किया था, कहने वाला बेईमान है, कहने वाले की नीयत साफ नहीं है, लेकिन उसने आपका समय जाहिर कर दिया। और राजनीति में वो होता है जो एजेंडा से सेट नहीं होता है, वो होना चाहिए जो एजेंडा सेट करता है, इसको हमको चिंता करनी चाहिए। आपके पास मोदी जी जैसा नेता हो और हम लोग हर एक तरीके से उनके नेतृत्व में देश परिवर्तन ले रहा हो और हम चर्चा करने लगे, चर्चा करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, हम एजेंडा सेट कर सकते हैं। यही जनधन योजना था ना, जब लाल किले के प्राचीर से मोदी जी ने कहा कि खाता खोलो, तो बोले कि भारत का प्रधानमंत्री लाल किले से प्राचीर से खाते खुलवा रहा है। आज क्यों नहीं आप कहते कि जब लॉकडाउन लगा था, जब सारा कुछ लॉकडाउन हो गया था, न पोस्ट ऑफिस, न पोस्टमैन, न मनी ऑर्डर, उसके बावजूद भी 20 करोड़ बहनों के खाते में 500-500 रुपए, 1500 रुपए, और दिव्यांग के खाते में 1000 रुपए, और उसी तरीके से बुजुर्गों के खाते में 1000 रुपए, और वृद्धा पेंशन के नाम पर वृद्धाओं को 1000 रुपए सीधे उनके खाते में इसी जनधन योजना से पहुंचाया है। यह है मोदी जी का जनधन योजना, यह है डिजिटल कमाल, दिस इज डिजिटल इंडिया, यह हमको बताने की आवश्यकता। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? मैं गलत बोल रहा हूं क्या? तो इसको हमको बताना चाहिए, यह छोटी घटना नहीं है। यही प्रधानमंत्री था ना, आज से 20 साल 25 साल पहले बोलता था, मैं 1 रुपया भेजता हूं, 85 पैसे रस्ते में खर्च हो जाते। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो 8 करोड़ 56 लाख किसान के खाते में सीधे 2000 रुपए पहुंचा करके 1 लाख करोड़ रुपए पहुंचा देता है। यह ताकत पैदा हुई है, इसको हमको समझना चाहिए। इसलिए एजेंडा सेट करो तो ये सेट करो, एजेंडा सेट करो तो बताओ उनको। उसी तरीके से उज्ज्वला योजना, ये छोटी घटना नहीं, मैं बार बार बोलता हूं, मैंने कल भी बोला, मैं आज भी बोलूंगा, क्योंकि उज्ज्वला योजना की जब आप बात करोगे, ये 8 करोड़ गैस का कनेक्शन, आपके यहां 3,65,000 कनेक्शन दिए गए हैं। अब मेरे को बार बार गांव की तस्वीर याद आ जाती है, सुबह सुबह, अब सुनाओ की छोड़ दू, सुबह सुबह हमको आवाज सुनाई देती थी गांव में, 4 बजे सुबह ठक खट ठक, कोई ना कोई बहन किसी न किसी पेड़ पर चढ़ करके पेड़ काट रही होती थी ताकि चूल्हा जल सके, उस लकड़ी को ले करके घर आती थी, चूल्हा जलाती थी, और तब वहां सुबह की चाय बनती थी या दूध गर्म होता था। यह स्थिति थी कि नहीं थी? और अगर आप सब गांव के हैं तो आपके ध्यान में होगा कि आज से 25-30 साल पहले हर गांव में आपको कोई ना कोई महिला मिल जाएगी जो पेड़ से गिरी थी और जिसने अपनी स्पाइनल कॉर्ड तोड़वा करके लाचार हालत में पड़ी हुई आपको मिलती होगी। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, जिसने गांव घूमा होगा, और पहाड़ के गांव अगर घूमे होंगे तो आपके यहां कोई ना कोई ऐसी बहन जरूर होगी जिसका स्पाइनल कॉर्ड टूटा था क्योंकि वो पेड़ से गिरी थी, और पेड़ पर चढ़ने के लिए लाचार क्यों हुई थी? इसलिए कि लकड़ी का। आज गांव में गैस का कनेक्शन 5 मिनट में जलाओ, और 200 धुएं का जो तुम ले, हम लेते थे फेफड़े को धुआं, 200 सिगरेट का धुआं, उससे भी उन्होंने बचाने का काम किया। ये एजेंडा सेट हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। ये लोगों को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? और हमारे कांग्रेस के लोग क्या बोलेंगे? हाँ ये तो होना ही था, तो 70 साल क्या कर रहे थे वही? 70 साल क्या कर रहे थे बताओ? आपको साल में आपको 6 दूंगा सब्सिडी का और बाकी होगा मार्केट प्राइस, नहीं आपको 9 दूंगा, यही किया कि नहीं किया? और मोदी जी ने 8 करोड़ की जनता को फ्री गैस का चूल्हा और सिलेंडर देने का काम किया, यह परिवर्तन लाया, इसको हमको समझना चाहिए। उजाला योजना की बात उठा दीजिए, एलईडी बल्ब, 37 करोड़ बल्ब बांटे गए, लगभग 18,000 करोड़ रुपए की बिजली बची। और उत्तराखंड की अगर मैं बात कर लूं तो उसी तरीके से लगभग 56,000 एलईडी बल्ब आपने बांटे हैं और लगभग 293 करोड़ रुपए का आपने बिजली की बचत की है उत्तराखंड में, इसको भी हमको समझना चाहिए, यानी पावर की बचत की है।
स्वच्छ भारत में आप सब लोग 100% ODF हो गए हैं, ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए हैं, अब कोई भी बहन बाहर नहीं जाती है, और लगभग आपने 5,22,000 टॉयलेट्स बनाए हैं, सारे देश में लगभग 22,000 टॉयलेट्स बने, लगभग 11 करोड़ टॉयलेट बने, और उस 11 करोड़ में 5,22,000 आपने बनाए, ये क्या छोटी घटना है? और फिर हमारे कांग्रेस के भाई बोलेंगे ये तो चलता कार्यक्रम था, चलता कार्यक्रम था तो फिर ये स्वच्छता अभियान में ODF 33% पर क्यों रुका था, और मोदी जी ने इसको 100% कैसे पहुंचा दिया? 100% ODF हो गया है, ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया है, ये मोदी जी का कमाल है, इसको हमको एजेंडा बनाना चाहिए, इसको हमको बताना चाहिए। सौभाग्य योजना, घर घर में बिजली, पहले बिजली का मतलब इंजीनियर की मिन्नतें करो, मैं बार बार बोल चुका हूं, तार लाओ, खंबा ले जाओ, पहुंचेंगे तब करेंगे। आज आपको हमारे अगर यही की बात करें तो आपके सारे विलेजेस इलेक्ट्रिफाइड हो गए हैं, और देश में 2,63,00,000 हाउसहोल्ड्स को इलेक्ट्रिफाई किया गया है सौभाग्य योजना में, और उत्तराखंड में 2,48,000 नए बिजली के कनेक्शन इंडिविजुअल हाउसहोल्ड को दिया गया है। आयुष्मान भारत, और उसमें अटल आयुष्मान भारत आपके त्रिवेंद्र रावत जी ने, मुख्यमंत्री जी ने जोड़ दिया। आप समझिए इसका अर्थ क्या बनता है, यानी आज कोई भी व्यक्ति अगर बीमार पड़ता है तो सालाना 5,00,000 रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा। ये छोटी घटना है क्या? आप बताइए, आपके घर में किसी को या किसी पड़ोस में कैंसर होता था तो जमीन बिकती थी कि नहीं बिकती थी, घर बिकता था कि नहीं बिकता था? आपके अड़ोस पड़ोस में ऐसे लोग थे ना गरीब, जिनको अगर मान लीजिए बाईपास कराना है तो बाईपास नहीं करा पाते थे, वो भगवान को प्यारे हो जाते थे लेकिन हार्ट का इलाज नहीं करा पाते थे। आज आयुष्मान भारत और अटल आयुष्मान भारत में देश के 55 करोड़ लोग और उत्तराखंड के सारे 1,10,00,000 लोगों को 5,00,000 रुपए का हेल्थ कवर दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और हेल्थ इंश्योरेंस को छोटी घटना है, अरे सारा अमेरिका का चुनाव हेल्थ इंश्योरेंस पर हो गया, और हमारे यहां 5,00,000 रुपए आयुष्मान भारत का मतलब मालूम है? सारी अमेरिका की जनसंख्या, सारी मेक्सिको की जनसंख्या, सारी कनाडा की जनसंख्या, ये तीनों की जनसंख्या मिला ले तो हमारा आयुष्मान भारत बनता है, ये मोदी जी का आयुष्मान भारत है, उसको हमको समझना चाहिए। तो इसलिए अगर एजेंडा सेट करना है तो आयुष्मान भारत का करो। लगभग 1,50,000,000 लोगों ने फायदा उठा लिया है, और लगभग 15,000 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च, 15,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, और 1,42,00,000 लोगों ने इसका फायदा उठाया है, और आपके यहां पर कुल मिलाकर के इसमें लगभग 2,12,000 लोगों ने इसका फायदा उठाया है, और लगभग 203 करोड़ रुपए का इलाज हुआ है उत्तराखंड में। ये छोटी घटना है क्या? इसलिए मित्रों, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये स्कीम्स हैं जिनको गरीब आदमी आशीर्वाद दे रहा है, बारंबार आशीर्वाद दे रहा है, मोदी जी के कारण आशीर्वाद दे रहा है, हमको ये बात जनता तक बारंबार पहुंचाने की जरूरत है। आप बताइए, चार धाम के लिए ऑल वेदर रोड बनाया है कि नहीं बनाया उत्तराखंड? 12,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? कभी सोचा था कि कांग्रेस के जमाने में होगा? नहीं। कभी सोचा था कि कोई कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर हिम्मत भी करेगा? नहीं। ऑल वेदर रोड, उसी तरीके से वो हमारा रेलवे लाइन कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग वाला रेलवे लाइन का काम चला है। बड़ी बड़ी स्कीमों की चर्चा कर रहा हूं, छोटी नहीं कर रहा हूं मैं। आपके यहां सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस, उनको सपोर्ट करना, SPP सेप्टिक ट्रीटमेंट प्लांट, इसके लिए लगभग 521 करोड़ रुपए उत्तराखंड में खर्च हो रहे हैं, 230 करोड़ रुपए जगजीत नगर हरिद्वार में खर्च हो रहा है, 20 करोड़ रुपए जगजीतपुर में खर्च हो रहा है, 13 करोड़ रुपए सराय हरिद्वार में खर्च हो रहा है, गंगा म्यूजियम और चांदी घाट में खर्च हो रहा है, 158 करोड़ रुपए लक्कड़ घाट ऋषिकेश में खर्च हो रहा है, 41 करोड़ रुपए चंदेश्वर नगर में खर्च हो रहा है, 29 करोड़ रुपए चोर पानी मुन्नी की रेती में खर्च हो रहा है, 19 करोड़ रुपए बद्रीनाथ में खर्च हो रहा है। किसने सोचा था ये? कभी हम कहते थे, वो पिक्चर आई थी राम तेरी गंगा मैली, आज क्या है? नमामि गंगे। क्या नेता के आने से क्या फर्क पड़ता है, नीतियों का क्या फर्क पड़ता है? आज कोई कहेगा कि तेरी गंगा मैली? दिन रात काम चल रहा है, नमामि गंगे के तहत गंगा को साफ करने का काम पूरी तीव्र गति से चल रहा है,
और ये मैंने आपके सामने गिना दिए, ये एसटीपी के प्रोजेक्ट कोई भी 40 करोड़ 18 करोड़ 20 करोड़ से नीचे का नहीं। इसके इसके लग जाने के बाद आप सोचिए कि गंगा की स्थिति क्या होगी, आप सोचिए कि पवित्र नगरी की पवित्रता कितनी बढ़ेगी। क्या ये बात हमको जनता तक पहुंचानी है कि नहीं पहुंचानी है, और जनता को बारंबार याद दिलाना है कि नहीं दिलाना है। इसलिए मित्रों, एजेंडा से सेट नहीं होना है, एजेंडा सेट करना है, इसके लिए हमको काम करना चाहिए। उसी तरीके से आपके यहां लगभग 4-5 महीनों में 50,000 वाटर कनेक्शन आ गए। वाटर कनेक्शन का मतलब पहाड़ में मालूम है, बहनों के कंधे से घैला उतरवाना, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। एक एक किलोमीटर 1.5 किलोमीटर हमारी बहनें पानी लाने के लिए जाती हैं कि नहीं जाती थी। अगर उनके घर में वाटर कनेक्शन आता है और शुद्ध जल आता है तो परिवर्तन है कि नहीं है। और 50,000 की संख्या अगर 5 महीने में होती है तो 2022 तक कितनी हो जाएगी, आपके समझ में आता है ना। ये लोगों को जोड़ने की बात है जिसको हमको समझना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। उसी तरीके से आपके यहाँ हाई लेवल इंस्टीट्यूशन बनी है, ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर आप ले गए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डोईवाला देहरादून में खड़ा हो रहा है, उसी तरीके से कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट सेंटर यहाँ खड़ा हो रहा है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आपको मिली है। अब मैं तो ये कहूंगा कि पहले भी देहरादून और अब भी देहरादून, आपको हर एक तरीके से इंस्टीट्यूट के तरीके से आपको लाभ मिल रहा है। तो मुझे आप सबसे निवेदन है कि इन सारी बातों को रखने की जरूरत है और आगे बताने की जरूरत है। आर्मी की बात उठाइए, चाहे हिमाचल हो चाहे उत्तराखंड हो, आप बताइए हमारी जो इकोनॉमी थी वो फौज की इकोनॉमी थी कि नहीं थी, मनी ऑर्डर इकोनॉमी थी कि नहीं थी, हर घर से फौजी है कि नहीं है, ये वन रैंक वन पेंशन किसने किया? एक भी पेंडिंग नहीं है, एक भी केस पेंडिंग नहीं है। 11,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने दिए हैं और सारे पेंडिंग केसेस को कवर किया है, वन रैंक वन पेंशन। कब से चला था यह मुद्दा? 1972 से। फैसला कब हुआ? 2015 में। और आज 11,000 करोड़ रुपए वन रैंक सारे एरियर्स क्लियर कर दिए गए हैं, और उत्तराखंड के 1,00,000 आर्मी के आर्मी पर्सनल्स हैं जिनको इसका लाभ मिला, 1,00,000 आर्मी पर्सनल है उत्तराखंड का जिसको इसका लाभ मिला है। उसी तरीके से आज बुलेट प्रूफ जैकेट के वगैरह होते हैं, अब 700 माइल्स की स्पीड से आने वाले बुलेट को भी रोक लेने की ताकत ये भारत बुलेट प्रूफ बनाने लगा है, और अब मैं बुलेट एक्सपोर्ट करने लगे हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट ये हमारी ताकत बनी। आप बताइए पिछले 6 सालों में 36 रफेल आए कि नहीं आए, और यही रफेल खरीद में कमीशन की बात करते थे कि नहीं करते थे कांग्रेस के लोग, कहां चले गए? आज 36 रफेल आ गए, 28 अपैचे हेलीकॉप्टर्स आए कि नहीं आए, उसी तरीके से 15 चिनूक चॉपर्स आए कि नहीं आए। ये सब 4-5 साल के अंदर का अंतर है। सरफेस टू एयर मिसाइल्स इसराइल से आया कि नहीं आया, उसी तरीके से 145 अल्ट्रा लाइट हॉवाइजर्स आए कि नहीं आए। आज मिलिट्री को लैस किया गया है, और आपको मालूम है यह बॉर्डर पर हंगामा क्यों है, मुसीबत क्यों है, क्यों दिक्कत क्यों है? क्योंकि मोदी जी ने पिछले 5 साल में 4,500 किलोमीटर की 4-लेन रोड अरुणाचल प्रदेश से लेकर के लद्दाख तक बना दी है। इस बात को हमको समझना चाहिए, बिल्कुल बॉर्डर एयरपोर्ट से लेकर के सब कुछ बना दिया। अभी अटल सेतु ब्रिज का उद्घाटन किया कि नहीं किया? 9.2 किलोमीटर का है, 4.5 घंटे बचते हैं, ऑल वेदर रोड है, सारी आर्मी की रसद सीधे सीधे पहुंचने लद्दाख तक पहुंचने में अब कोई दिक्कत की बात नहीं। ये काम किया है मोदी जी ने, 14,500 मीटर के डबल ब्रिज जिसको बोलते हैं ऑल वेदर ब्रिज, पक्के ब्रिज बना करके दिए। पहले आपको मालूम होगा, अगर आप पहाड़ों की फोटो देखते होंगे तो एक लोहे का ब्रिज होता था ऐसे इस तरीके से, और उसमें एक तरफ ट्रैफिक रुकी होती थी, एक ट्रक जाता था फिर दूसरा ट्रक जाता था, आधे घंटे इधर से छोड़ते थे, आधा घंटा उधर से छोड़ते थे, था कि नहीं? आज आपने देखा होगा 4-लेन ब्रिज, 14,500 मीटर इतनी ब्रिजेस बन चुके हैं, टनल्स बन चुकी हैं, धनाधन हमारे फौजें वहां पहुंच सकती हैं। और कहा? अरुणाचल प्रदेश से लेकर के वो लद्दाख तक की व्यवस्था की है।
इसलिए भारत ने तैयारी की है, इसलिए तकलीफ तो हो सकती है, लेकिन भारत तैयार है। और मोदी जी के नेतृत्व में आपको मालूम है कि हर तरीके से तैयारी करने की का विषय मोदी जी के साथ जुड़ा हुआ है। बताइए, एयर स्ट्राइक हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए, वो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी कि नहीं हुई थी? तो हम सर्जरी भी जानते हैं और एयर भी जानते हैं हर तरीके से। इसलिए मित्रों, ये सब बातें हमको रखने की जरूरत है। लेकिन हाँ, जब हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो हमको ये भी बताना पड़ता है कि धारा 370 जिसको इनके दादा बोल गए कि ये घिस घिस के घिस जाएगा, समय घिस गया लेकिन धारा 370 नहीं गई, वो मजबूत हुई, उसको समाप्त किया तो मोदी जी की इच्छा शक्ति ने और अमित शाह जी की रणनीति ने धाराशाही कर दिया। आज पी चिदंबरम क्या बोलते हैं, गृह मंत्री, हम इसको फिर से लागू करेंगे। ये है हमारे देशभक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये राहुल गांधी बोलते हैं, ये बिना जम्मू कश्मीर की चर्चा से हुआ है, ये हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इमरान खान इनकी दलील को लेकर के यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में जाता है, ये है हमारे राष्ट्रभक्त नेता। ये मोदी जी का विरोध करते करते पार्टी को कहां पहुंचा दिया भैया, भगवान इनको सुबुद्धि दे। ये हमारे शशि थरूर लाहौर में जाकर के भारत का बुखार बनाते हैं और पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, ये पाकिस्तान के ब्लू एंड बॉयज बनते हैं, मीडिया के कवरेज बनते हैं। और है क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वारे नेशनल कांग्रेस, भगवान भला करे। मित्रों, ये गुप्तकर गैंग, गुप्तकर अलायंस, क्या है ये गुप्तकर अलायंस, इस पर रोशनी डालनी चाहिए। क्या है ये रोशनी, मुख्यमंत्री अपनी जमीन घर स्वरस की ले गए, अपने परिवारों के लिए ले गए, कोई पूछने वाला नहीं। आपको मालूम है धारा 370 जब तक नहीं लगी हटी थी तो एंटी करप्शन एक्ट अपने जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, मालूम है आपको? आपको मालूम है कि दलितों को वहां पर रिजर्वेशन नहीं थी? आपको मालूम है वहां पर ट्राइबल्स को पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं थी? आपको मालूम है कि जो पाकिस्तान से आए हुए लोग थे जो भारत में बसे थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं था? आपको मालूम है कि महिलाएं वहां की अगर वो जम्मू कश्मीर के स्टेट के बाहर किसी से शादी कर लेंगी तो उनको संपत्ति में वो वंचित हो जाएंगी? आपको मालूम है कि वहां पर अभी तक पंचायत को सीधा पैसा मोदी जी का नहीं जाता था? आज उनको आजादी मिली है और एंटी करप्शन एक्ट वहां लागू हुआ है, अब रोशनी पर, भ्रष्टाचार पर रोशनी पड़ने लगी है। और एक एक आदमी जम्मू कश्मीर बैंक पर, इसलिए ये गैंग तो बनाएंगे ही बनाएंगे। अरे भाई, अब तो एंटी करप्शन एक्ट आ गया, अब तो इन पर सारे इन्फोर्समेंट जो है वो लागू होंगे, तो ये तो गुपकर करेंगे, गुपकर का रेजोल्यूशन तो प्रस्ताव करेंगे। लेकिन हम बताना चाहते हैं, मोदी जी के नेतृत्व में एक भी गुनाहगार बचेगा नहीं, कानून उतना ही काम करेगा, इस बात को हमको ध्यान रखना है। हाँ, हम राजनीतिक विद्वेष से काम नहीं करते, लेकिन कानून के साथ कोई खिलवाड़ कर जाए ये भी हम बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए मित्रों, हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड हमारे त्रिवेंद्र रावत जी और हमारी पार्टी के सब लोगों के सहयोग से आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छा मौका मिला है। हर तरीके से विकास की एक नई बवार, एक नया बहार, एक नई गंगा बह रही है, उसमें हम सब लोग भी अपने आप को योगदान करें। और मैं बूथ के कमेटी के लोगों से बात करूंगा तो मैं कहूंगा, मंडल का अध्यक्ष और मंडल की टीम हर महीने कम से कम एक शक्ति केंद्र का प्रवास जरूर करें और इन सारी बातों को आगे रखें। और हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख और उनकी टीम कम से कम हर बूथ का प्रवास जरूर करें एक महीने में और इन बातों को जरूर रखें। और मैं प्रदेश की टीम और आईटी सेल को निवेदन करूंगा, हमारे यहाँ पर ब्राक्टा जी बैठे हैं, ब्राक्टा जी से निवेदन करूंगा कि यहाँ की आईटी सेल को मजबूती प्रदान करें। हर 15 दिन पर एक नया कंटेंट तैयार होना चाहिए, एक कंटेंट तैयार होना चाहिए, पिछले 15 दिन में मोदी जी ने क्या कहा उसमें से क्लिपिंग्स निकाल करके रखनी चाहिए। अगर अमित शाह जी ने कुछ कहा है तो उसको भी डालना चाहिए, राजनाथ जी ने कहा है उसको भी डालना चाहिए।
जो त्रिवेंद्र रावत जी ने कहा है उसको भी डालना चाहिए, जो बंसीधर भगत जी ने कहा है उसको भी डालना चाहिए, और अपने गांव में हमारे एमएलए ने क्या कहा इसकी भी क्लिपिंग बनानी चाहिए, उन्होंने विकास के क्या कार्य किए इसको भी बनाना चाहिए, और इस व्हाट्सएप ग्रुप को एक्टिव करके इस कंटेंट से एक एक बूथ पर कम से कम 200 कार्यकर्ताओं को व्हाट्सएप ग्रुप बनाना करके उसमें जोड़ना चाहिए। हम ये कर सकते हैं क्या? इसका लाभ होगा, हम पॉलिटिकल एजेंडा सेट करेंगे और हमारे पॉलिटिकल एजेंडा पर काम होगा। इसलिए मित्रों, जो हम काम करते हैं उसके साथ भारत की जनता को जोड़ने की भी आवश्यकता है, और पार्टी एक सेतु का काम करती है केंद्र और प्रदेश सरकार के अच्छे कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए। यह हमारा काम है, यह हमारी जिम्मेवारी है, हम मूक दर्शक नहीं हो सकते। हाँ, आपने बहुत अच्छा काम किया, अच्छा आपको मिला कि नहीं मिला, हम मूक दर्शक नहीं हो सकते। आपने अच्छा काम किया, हम नीचे तक पहुंचाएंगे, आपने अच्छा काम किया है हम उसको जनता तक ले जाएंगे, आपको उसका लाभ नहीं मिला है हम आपको लाभ दिलाएंगे, सरकारी अधिकारियों से मिलकर के आपको लाभ दिलाएंगे, लेकिन आपको लाभ मिलेगा। हमें सेतु का काम करना, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस काम को करेंगे। मित्रों, मैं कई बार आप सबसे चर्चा करते हुए कहता हूं, पॉलिटिक्स इज नॉट हॉबी, पॉलिटिक्स इज ए मिशन। ये कोई ऐसे नहीं है कि मन किया तो आ गए और मन किया तो चले गए। राजनीति एक मिशन है, एक देश के परिवर्तन के लिए हम सब उसके उपकरण है, और भारतीय जनता पार्टी उसका सबसे बड़ा उपकरण है, और उस परिवर्तन को लाने में हम सब लोग एक सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं। इसलिए हमारी जिम्मेवारी है कि हमें कोई शाबाशी दे न दे, हमारे काम को कोई समझे न समझे, हमारे काम को कोई जाने न जाने, वैसे पार्टी हमारी बाकी सभी पार्टियां परिवार की पार्टी हो गई हैं। ये हमारी पार्टी है जो परिवार बन गया है, इसको हमको समझना चाहिए, इसलिए हम सबकी चिंता करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कहीं अनदेखी भी हो जाए तब भी हमको चिंता नहीं करनी है, हम सब लोगों ने आगे बढ़ना है, और पार्टी सबकी चिंता करती है, सब मिलकर के इसको आगे बढ़ाएंगे। आज आपके माध्यम से मैं लाखों कार्यकर्ताओं से जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं आईटी सेल को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने ये व्यवस्था की है, और इसमें भी मैं बता दूं कि आपदा में अफसर को बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कोरोना से पहले हमारी राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक 3 महीने में होती थी संविधान के अनुसार, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी 6 महीने में होती थी, लेकिन जब से ये कोरोना लगा और ये वर्चुअल मीटिंग और वर्चुअल रैली शुरू हुई, हर तीसरे दिन राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठने लगे, और अब हमारे गांव का भी कार्यकर्ता बोलता है लिंक भेजो, लिंक भेजो, मैं भी जुड़ूंगा। यानी कितना डिजिटल हो गया हमारा कार्यकर्ता। आज मैं उत्तराखंड में देहरादून में हूं, लेकिन यहां से मेरे को सुनने वाले लाखों लोग हैं, बूथ का एक एक कार्यकर्ता सुन रहा है, और वो अभ्यस्त हो चुका है। वो ऐसा नहीं कहता दिख नहीं रहे हैं, वो ऐसा नहीं कहता सुन नहीं पा रहे हैं, वो सारी चीजों से अभ्यस्त हो चुका है, लिंक मांगता है, देखता है, और मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं कई बार वेबिनार पे देखता हूं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर देखता हूं, तो अगर मान लीजिए मुझे 20 चेहरे दिख रहे हैं तो 20 में से 5 गाड़ी में दिख रहे होते हैं, थोड़ा हिल भी रहा होता है, सुन भी रहे होते हैं। ये मतलब आप सोचिए कि इट इज नॉट ओनली डिजिटल, इट इज मोबाइल डिजिटल। ये भी हमको समझना चाहिए कि हम कहां पहुंचे, यानी वो सफर भी कर रहा है और हमसे भी जुड़ा हुआ है, और जब उसके बोलने की बारी आती है तो बोलता है जरा रोकना तो साइड में लगा दो, अपना वक्तव्य देता है, बोलता चलो। क्या क्या अंतर आया है, और कैसे हमारे साधारण कार्यकर्ताओं ने इन बातों को समझा है, इसको हमको देखना चाहिए। इसलिए आज डिजिटल माध्यम से, यही पिछले साल आया होता तो आप एक बहुत बड़ा सम्मेलन करते, उसमें कुछ लोग आते कुछ नहीं आते, कुछ की गाड़ी खराब होती, कोई कुछ होता। आज अपने घरों में बैठ करके हमारे से बातचीत भी कर रहे हैं, हमारे को सुन भी रहे हैं। ये डिजिटल दुनिया का आपने आपदा का अवसर में बदला है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और हमारा एक एक कार्यकर्ता पहाड़ का इसको समझ पाया है, इसके लिए उनको साधुवाद। हम सब लोग आगे मिलकर के पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।